नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है पालघर मामले को लेकर। आपको बता दूं कि 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन पालघर मामले में अब तक कुछ ऐसा सामने निकल कर नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि साधुओं की हत्या को लेकर महाराष्ट्र सरकार सीरियस है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक ऐसा कुछ निकल कर सामने नहीं आया है। मित्रों, अगर साधुओं की जगह, जो कि भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे, और इन साधुओं की जगह अगर किसी और मजहब के धर्मगुरु होते तो अब तक इस देश में बवाल काट दिया गया होता। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं? आप मुझे बताइए, क्या इस देश में अब तक चूड़ियां नहीं टूट गई होती? कई तो डिजाइनिंग पत्रकारिता के जो महारत जिनको हासिल है वो अपने शो बंद कर देते, टीवी को ब्लैक कर देते, और सोनिया एंटोनियो माइनो समेत जो तमाम जो राजनेता हैं विपक्ष के वो छाती पीट रहे होते। लेकिन चूंकि मामला हिंदू धर्म से जुड़ा है, हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है और साधुओं से जुड़ा है, तो अब तक 3 हफ्ते के बाद भी इस मामले में कुछ ठोस निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जो सीधे सीधे यह साबित करेगा कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही, महाराष्ट्र प्रशासन की इस सब में लापरवाही रही थी। ये खुलासा क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में क्या मेरी ये सोच सही है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है, इस देश में सबके मुंह में दही इसलिए जम गया है क्योंकि मामला सिर्फ साधुओं से जुड़ा हुआ है? कमेंट में बताइएगा मुझे अपनी राय। फिलहाल आपको बताता हूं कि पालघर में 2 साधुओं समेत 1 ड्राइवर की लिंचिंग के मामले में पुलिस की लापरवाही को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। हालांकि जिसने भी वो वीडियोस देखे होंगे, उन वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस वायरल हुए थे जब साधुओं की पिटाई की जा रही थी डंडों के साथ। उस वक्त 6 से ज्यादा खाकी पहने हुए राक्षस वहां पर मौजूद थे। इन लोगों को राक्षस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खाकी पर इस देश की जिन पर रक्षा का भार होता है, समाज की रक्षा का भार होता है, वही वहां पर खड़े हुए थे। और जब साधुओं ने ये कोशिश की, उनकी तरफ गए पुलिस वालों की तरफ कि शायद ये हमें बचा लेंगे इस भीड़ से, लेकिन उन खाकी पहने हुए दरिंदों ने उन साधुओं को वापस उस भीड़ में धकेल दिया, और ऐसा साफ इन वीडियोस में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दूं कि खबर यह आ रही है कि पुलिस ने हत्या के बाद कई घंटों तक शवों की सुध नहीं ली। साधुओं की हत्या कर दी जाती है, शव पड़े रह जाते हैं और शवों की सुध तक नहीं लेती है महाराष्ट्र का पुलिस प्रशासन। शव उस रात तकरीबन 9 घंटे तक सड़क पर लावारिस की तरह पड़े रहे। अब मुझे बताइए कि क्या मैंने गलत कहा कि अगर ये साधुओं की बजाय किसी और मजहब से जुड़ा हुआ मामला होता, या लंबी दाढ़ी वालों का, या फिर सफेद चोगा पहने हुए लोगों का यह मामला होता, तो क्या फिर भी क्या ऐसा होता? 9 घंटे तक शव जो है वो लावारिस सड़क पर पड़े रहते हैं साधुओं के। इस खबर को पढ़ने के बाद दिल जो है वो झकझोर उठा है। आपको बता दूं, ये खुलासा किया है न्यूज नेशन के कंसल्टिंग एडिटर दीपक चौरसिया ने, और उन्होंने इस बात का खुलासा पालघर मामले में चश्मदीद फॉरेस्ट गार्ड का हवाला देते हुए किया है। उनका दावा है कि पालघर संतों की क्रूर और निर्मम हत्या के बाद उनकी देह 9 घंटे तक सड़क पर लावारिस पड़ी रही। दरअसल पुलिस वाले हत्या के बाद भाग खड़े हुए थे और रात भर ड्राइवर और 2 संतों की हत्या के बाद भी पुलिस ने सुध नहीं ली। अब जो ये कहता है, महाराष्ट्र सरकार की यह दलील है, प्रशासन ये दलील देता है कि वहां पर जो पुलिस वाले थे वो डर गए थे क्योंकि भीड़ के हाथ में हथियार थे। सवाल पहला तो ये कि लॉकडाउन के बाद इतनी भीड़ इकट्ठा हो कैसे गई? दूसरा सवाल ये कि अगर पुलिस वाले डर गए थे तो जब साधुओं की हत्या हो जाती है, क्या उसके बाद और पुलिस फोर्स लेकर उस गांव में नहीं जाया जा सकता था? क्या और पुलिस वालों को नहीं बुलाया जा सकता था? और क्या 9 घंटे तक पुलिस को यह सुध नहीं आई कि साधुओं की हत्या करके भीड़ ने जो है शव सड़क पर डाल दिए हैं, उन शवों तक को नहीं पूछा जाता?
पालघर में आपको बता दूं साधुओं की लिंचिंग के बाद से न्यूज नेशन का दावा है कि वो न्यूज नेशन जो चैनल है उसका दावा है कि वो इस मामले में अपनी पड़ताल कर रहा है और उससे पता लगता है कि आदिवासी इलाकों में हिंदू संतों के खिलाफ एक हवा बनाई गई और इसी कारण संतों की मॉब लिंचिंग हुई। ये दावा कई मीडिया चैनल्स शुरुआत से करते आ रहे हैं कि जो ये साधुओं की हत्या हुई है महाराष्ट्र के पालघर में 16 अप्रैल को ये वाकया हुआ था। और आपको बता दूं कि उसके बाद ये दावा किया गया कि ईसाई मिशनरीज के लोगों ने और कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक कनेक्शन भी इसमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये सीधे सीधे पता लग रहा है, कई न्यूज चैनल्स का दावा है, कई मीडिया हाउसेस का यह दावा है कि ईसाई मिशनरीज का हाथ इसमें सीधे सीधे है। आपको बता दूं कि पालघर लिंचिंग के मामले में लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं और लगातार संतों की निर्मम हत्या पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि अभी भी कई प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब प्रशासन को देना बाकी है, लेकिन जवाब नहीं पूछ लीजिएगा प्रशासन से, जिसने पूछा था उससे 12 घंटे तक बिठाकर पूछताछ की जाती है। सोनिया एंटोनियो माइनो का असली नाम, सोनिया गांधी का असली नाम ले देते हैं, असली काम नहीं बताते हैं। अर्णब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के पत्रकार हैं और जब उन्होंने ये सवाल कर दिया सोनिया गांधी से, सोनिया एंटोनियो माइनो कहकर, कि वो पालघर के मामले में क्यों चुप हो जाती हैं, बाटला हाउस एनकाउंटर में जब आतंकवादी मारे जाते हैं दिल्ली में तो सोनिया गांधी का कलेजा फट जाता है, हाँ ये कैसे मर गई। सलमान खुर्शीद सामने आके कहते हैं मुझे याद है वो वक्त, सलमान खुर्शीद का एक बयान आया था कि सोनिया गांधी ने वो जो तस्वीरें देखी बाटला हाउस एनकाउंटर की उसके बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। वहा आतंकियों से प्रेम, लेकिन पालघर में साधुओं की हत्या हो जाती है लेकिन उस पर एक बयान तक, एक ट्वीट तक सामने नहीं आता और इसको लेकर जब सवाल पूछ लिया जाता है तो पत्रकार पर हमला कर दिया जाता है। 12 घंटे तक उस राज्य की पुलिस बिठाकर पूछताछ करती है जहां कांग्रेस सत्ता में है, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। और ऐसे में अब न्यूज नेशन चैनल ने यह खुलासा लेकर आया है और इससे एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि साधुओं को भीड़ के हवाले सौंपने वाले पुलिसकर्मियों ने हत्या के बाद भी उनके शवों की सुध क्यों नहीं ली और क्यों पोस्टमार्टम का ख्याल उन्हें सुबह आया। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना होगा और जवाब देना चाहिए प्रशासन को। उद्धव ठाकरे इस वक्त अपने कुर्सी में मगन है, 27 मई को अगर वो MLC नहीं चुने जाते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी जानत तय है, तो महाशय इस वक्त कुर्सी में बिजी हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि दो साधुओं उनके ड्राइवर की हत्या मामले में इतनी लिपापोती क्यों की जा रही है। आपको बता दूं कि जूना अखाड़ा के महंत कल्पवृक्ष गिरी महाराज, जिनकी आयु 70 साल थी, और महंत सुशील गिरी जी महाराज जिनकी आयु 35 साल थी, वो अपने और उनके जो ड्राइवर हैं नितेश तेलगड़े जिनकी उम्र 30 साल थी, ये मुंबई से गुजरात अपने गुरु भाइयों को समाधि देने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान 16 अप्रैल को पालघर के तालुका के आदिवासी बहुल गढ़ चिंचले गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी थी और जिसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। सवाल उस वक्त भी खड़े हुए थे और सवाल सबसे बड़ा यही था कि लॉकडाउन के बावजूद भी इतनी भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई। दूसरी बात यह कि पुलिस वाले जब वहां पर खड़े हुए थे तो भीड़ की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने हत्या कर दी। लेकिन इस मामले में मैं आपको बता दूं कि जो गढ़चिंचले गांव की सरपंच हैं चित्रा चौधरी, उन्होंने भी इस पूरी घटना के बारे में विस्तृत जो बताया, उन्होंने ये कहा कि 16 अप्रैल की शाम तकरीबन 8:30 बजे उन्हें पता चला कि चेक पोस्ट पर गाड़ी रोकी गई है। अगले 15 मिनट में यानी 8:45 पर वो अपने घर से गाड़ी तक पहुंचती हैं, गाड़ी का शीशा बंद था। साधु बाबा ने उन्होंने हाथ जोड़कर चित्रा चौधरी को नमन किया। चित्रा चौधरी इसके पास पूछती हैं साधुओं से कि आप कौन हैं और आपको कहां जाना है, लेकिन तब तक जो भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है उसने गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी और गाड़ी पलट दी। ये बकौल चित्रा चौधरी बता रहा हूं मैं, चित्रा चौधरी की जो बताया है चित्रा चौधरी ने। और चित्रा चौधरी का कहना है कि पुलिस के आने तक अगले 2-3 घंटे तक मैंने उस भीड़ को समझाने की कोशिश की, कुछ हद तक भीड़ को मैं काबू में रख पाई, लेकिन मैं अकेली महिला थी, जितना मैं काबू में कर सकती थी मैंने उनको काबू में किया। तो चित्रा चौधरी के मुताबिक 8:45 पर वो वहां पहुंच चुकी थी और मित्रों 11 बजे से 11:15 के बीच में पुलिस वहां पर पहुंचती है चित्रा चौधरी के मुताबिक। और
एसएसपी साहब पहुंचते हैं, सुप्रिटेंडेंट साहब पहुंचते हैं तकरीबन रात को 12 बजे। इसके बाद चित्रा चौधरी का कहना है कि वो वहां से चली गई थी और उन्होंने साधुओं को सुपुर्द कर दिया था पुलिस के पास। सरपंच चित्रा चौधरी का यह भी कहना है कि वहां पर भीड़ एनसीपी के नेता काशीनाथ आया चिल्लाने लग रहे थे और सीटी बजाने लग रहे थे। काशीनाथ चौधरी आपको बता दूं कि एनसीपी का नेता है और काशीनाथ चौधरी वहां पर मौजूद था। चित्रा चौधरी के मुताबिक, चित्रा चौधरी का यह कहना है कि भीड़ बेकाबू तब हुई जब काशीनाथ चौधरी वहां पर पहुंचे और भीड़ यह भी नारे लगा रही थी कि सरपंच ताई कहां गई, ये भी नारे लगा रही थी। यानी भीड़ जो है वो सरपंच चित्रा चौधरी को भी मारना चाहती थी। अब चित्रा चौधरी ने भी सीधे सीधे सवाल उठाया है कि पुलिस वालों को उनका कर्तव्य निभाना चाहिए था, जब तक मेरी कैपेसिटी थी मैंने भीड़ को 3 घंटे तक कंट्रोल किया और अकेली औरत ने भीड़ को इतनी देर तक कंट्रोल में रखा, उन लोगों को कुछ नहीं होने दिया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि काशीनाथ चौधरी, चित्रा चौधरी का कहना है कि काशीनाथ चौधरी जब आया तब लोगों ने सीटियां बजाई और चिल्लाने लगे कि चौधरी आया, अपना दादा भाई आया, अपना दादा आया, और ऐसे भीड़ जमा होती गई और साधुओं को खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल लिया और मार डाला गया। तो कहीं ना कहीं कई लिंक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 115 से ज्यादा लोगों की मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारी जरूर कर ली हो, लेकिन सवाल इस बात का पैदा होता है कि अब तक यह क्यों नहीं साबित हो पाया, यह क्यों नहीं सामने आ पाया कि साधुओं को क्यों मारा गया, किसने मारा और क्यों अब तक कुछ ठोस चीज 3 सप्ताह बीतने के बाद भी कुछ ठोस सामने निकलकर नहीं आ रहा है। एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह कि क्यों साधुओं के शवों को 9 घंटे तक के लिए लावारिस की तरह छोड़ दिया गया सड़कों पर। मित्रों, इस बात का जवाब महाराष्ट्र प्रशासन को देना होगा। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस खबर को शेयर जरूर करिएगा, हर हिंदुस्तानी तक ये खबर जरूर पहुंचनी चाहिए। साथ ही साथ हॉकफीड न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, देश से जुड़ा हुआ चैनल है। और चैनल के साथ साथ आप बता दूं कि बेल आइकन जो है साथ में उसको जरूर दबा दें, जिससे आपको हर खबर, देश से जुड़ी हर खबर मिलती रहे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।